लड़कियों का पचपना स्पेशल होगा जानकारियों से भरपूर हमारा पाल महिला स्पेशल स्टडी। अफराद को हर जिला की इंतजामिया की तरफ से इनामात से भी नवाजा जाएगा। इसी तरह 11 अगस्त की रात नमक मंडी पिशावर में आजादी फोर्स स्ट्रीट का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि पिशावर के अरबाज मियां क्रिकेट स्टेडियम में योमे आजादी के हवाले से टी20 जमीनी आजादी कप भी जारी है, जिसमें सुबह भर से 50 से ज्यादा टीमें शिरकत कर रही है। जिला जनूबी वजीरिस्तान में भी योमे आजादी के हवाले से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद जारी है। लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम अच्छे पानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित विचार। राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन प्राधिकरण से कहा है कि वे डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के जरिए प्रस्तुत किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज स्वीकार करें। मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय को सूचना अधिकार के तहत कई आवेदन और शिकायतें मिली हैं कि डिजी लॉकर या परिवहन ऐप पर ये दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर यातायात पुलिस या मोटर वाहन विभाग उन्हें वैध नहीं मानता। केरल में भारी वर्षा और भूस्खलन की घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना के दो दल बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लगातार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ ने पूरे राज्य में भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश उत्तरी जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित है और इन्हीं जिलों में चेतावनी जारी की गई है। विभिन्न भागों में पानी का स्तर उच्चतम क्षमता पर पहुंचने के कारण 22 जलाशयों के शटर खोले गए हैं। पेरियार नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने स्थिति का आकलन बैठक के बाद की स्थिति बहुत गंभीर है और सेना नौसेना की सहायता मांग की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए तिरुवनंतपुरम से शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया।